क्या बिग बॉस OTT 2 में लव जिहाद हो रहा है? यह सवाल हम नहीं इस शो के दर्शक उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर में। बिग बॉस OTT 2 इन दिनों आकांक्षा पुरी और जद हदीद के किसिंग को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल एक टास्क के दौरान आकांक्षा पुरी और जद हदीद ने 30 सेकंड लंबा किस किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई यूजर ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है। एक यूजर ने इस पूरे मामले को एक नया ही एंगल दिया और लव जिहाद बता दिया। अब इस पर TV एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने जवाब दिया है। यूजर ने लिखा कि आपको लगता है कि बॉलीवुड का बायकॉट कर दिया होता और उनका लव जिहाद को लेकर स्पॉन्सरशिप बंद हो जाता? नहीं, सलमान भाई के बिग बॉस OTT ने अब इसे देश भर के हर मोबाइल और हर टीनेजर तक पहुंचा दिया है। पहले जद हदीद ने आकांक्षा पुरी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, जिसे उसने मना कर दिया। दूसरी बार उसने कैमरे पर 40 सेकंड तक लंबा स्मूच किया। यह तो अभी शुरुआत है। इसे लव जिहाद बताने पर देवोलीना ने जवाब में लिखा, अगर आप हर बेकार चीज को लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह एक रियलिटी शो है, बस इतना ही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह हिम्मत ना ही घर वालों ने दी है, न ही बिग बॉस ने और न ही चैनल ने दी। दोनों एडल्ट है और वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कोई यह कहकर इसे सही नहीं ठहरा सकता कि हम एक्टर हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह बिना किसी स्क्रिप्ट के एक रियलिटी शो है। ना तो आकांक्षा को कोई रोल निभाने के लिए कहा गया था और ना ही यह कोई एलिमिनेशन टास्क था। यह केवल हिम्मत थी जिससे वह आसानी से बच सकते थे। वही इससे पहले आकांक्षा ने जद को किस करने पर कहा था, मैं चाहती थी कि जद यह समझे कि किस करने की वजह से मैं असहज महसूस हुई। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि वह आएंगे और मुझसे बात करेंगे जिससे सारी स्थिति साफ हो जाती। फिलहाल यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है कि OTT पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। और आकांक्षा पुरी और जद हदीद के वीडियो वायरल होने के बाद यह बहस ने वापस तूल पकड़ लिया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं रविक्षा। खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ।